स्वागत है स्वागत जिंदगी विषय दे 6वीं तो 8वीं तक दी प्रयोगी परीक्षा दी तैयारी नाल संबंधित विशेष लेक्चर्स दी अज दी अहम कड़ी दे विच अज ना केवल 8वीं बल्कि 6वीं ते 7वीं इन्हां श्रेणियां दे विद्यार्थियों दी किस तरीके नाल लई जानी है प्रयोगी परीक्षा भाव प्रैक्टिकल एग्जाम किवें कंडक्ट किया जाए इस बारे जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों ने किवें तैयारी करनी है ते केड़े तरीके नाल कारगुजारी दिखानी है क्योंकि जो साड़ी मौके ते कारगुजारी है उस दा भी बड़ा मुल पैना ते जो असी हुण तक सारे साल दौरान जां साड़े हुण तक दा सुभा शख्सियत बन चुकी है उस दे आधार ते भी मुलांकण किया जाना। असी अपनी शख्सियत नूं होर सुधार सकते हाँ निखार सकते हाँ इहदे लई यतनशील बने रहना। सो शुरू करते हाँ ये सिलसिला। जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की वैबसाइट के उपर प्रयोगी प्रीख्या नाल संबंधित हदायत पाई गई है उसनूं ध्यान नाल वेखो। उस दे विच दस्या गया कि ये जिहड़ी प्रयोगी प्रीख्या है 40 अंक की होनी है तो 40 अंकों की वंड किस तरह की गई है चार भागों में वंड के। पहली वो है जिदे 10 अंक रखे गए है तो उहदे विच तुहानूं कोई प्रोजैक्ट दिता होएगा बच्चो तुहानूं कोई एहजा कम दिता होएगा असाइनमेंट दिती होएगी जिहड़ी तुसीं रल के बना सकते हो या इकल्यां बनाउण नूं दिती होएगी। उदाहरण के तौर पर तुसीं कोई अपनी समा सारणी बनाउणी है तुहानूं खाण दीआं चीज़ां किहड़ियां पसंद ने किहो जिही तुहाडी खुराक है किन्नी क चंगी है उहदे बारे कोई चार्ट बनाउणा हो सकदा। अपने मापिआं दीआं तस्वीरां लगा के कोई परिवारक रुख जां फैमिली ट्री बनाउणा। इस तरह ही तुसीं कोई जिहड़ा तुहाडा एक रोड सेफ्टी वाला लैसन 8वीं दे विच अगर वह देखो तो उहदे आधार ते ट्रैफिक रूल्स सिग्नल्स उन्हां बारे कोई प्रोजैक्ट तैयार करना किसी भी किस्म का कोई प्रोजैक्ट कोई एक्टिविटी कोई नारा कोई स्लोगन लिखना इस तरह की कोई जिहड़ी तुसीं गतिविधियां तुहानूं दित्तियां गईआं ने उन्हां विच्चों की प्रोजैक्ट तुसीं तैयार किया 10 अंक उस ते होणगे। ठीक है जी। बाकी दे जिहड़े 30 अंक बचे उन्हां विच्चों 10 अंक होणगे कि तुहानूं तुहाडे मौके ते ही कोई स्थिति दे आधार ते वाइवा मतलब प्रश्न पुछे जाणगे तुसीं उन्हां दे जवाब बड़े सलीके नाल चंगी तरह आत्म विश्वास नाल देने आ। स्थिति किस तरह की हो सकती है मान लो कि तुहाडे श्रेणी दे विच कोई अजिहा बच्चा जिहड़ा सवेरे खाणा घरों भी नहीं खा के आया नाल भी नहीं लैके आया ते मिड डे मील तुहानूं दुपहरे मिलना सो तुसीं सवेरे उहदी मदद किवें कर सकते हो। हुण एक स्थिति आ उस स्थिति दे विच तुसीं की हैल्प करनी आ। इस तरह एक 6वीं क्लास में बहुत ही दिलचस्प गतिविधि आ कि मान लो दो दोस्त हैगे आ जां दो सहेलियां वो किसी गल ते आपस दे विच लड़ पए आ एक ने दूसरे का नाँ रखिया तो वह गुस्सा कर गया। हुण दोवां ने डायरी लिखण का शौक है तो बच्चे उस दिन अपनी डायरी किवें लिखणगे तुसीं उन्हां बच्चों के मन में समझद्या होया उन्हां वल्लों डायरी लिखणी है। इस तरह की कोई जिहड़ी गतिविधि उहदे आधार ते सवाल पुछया होएगा कि डायरी विच तुसीं की लिखिया वह बच्चे ने की लिखिया होएगा बच्चे क्यों गुस्सा करते हैं जे उन्हां दी थां ते तुसीं हुंदे तां तुसीं उन्हां नूं किवें हैंडल करदे बच्चे तुसीं उन्हां च किवें समझौता कराउंदे कोई भी इस तरह की स्थिति दे के उत्थे पुछया होएगा। या फिर जिवें 8वीं श्रेणी विच है कि तुसीं राह च जा रहे हो एक छोटा जिहा कतूरा उत्थे जख्मी होया पिया है ना तां तुसीं उहदी किवें मदद करोगे। इस तरह नाल तुसीं अपनी कल्पना दे आधार ते सही फैसला लैके दसणा। बच्चों 10 अंक रखे गए आ समाजिक योगदान दे कि बच्चे ने अपने समाज की भलाई लई की योगदान पाया। जिवें हुणे आपां गल कर रहे सी उसी तरह कि तुसीं अपने पिंड च आले दुआले किते किसे बजुर्ग की मदद कीती होवे किसे बच्चे की मदद कीती आ वातावरण की मद सुधार लिया तुसी कोई पौधे लगाए है या तुसी रुखा की गलत कटाई हो रही सी उसनू रोक दिता कितने बजुर्गों बुरा विहार हो रहा सी उसनू रोकया कितने किसी जानवर नू परेशान किया जा रहा सी तुसी उहदे हक विच जाके खड़े हो। इत्थों तक कि एहतियात का पालन करते हैं किवें तुसी ये अंजाम दिंदे हो। मसलन जिवें तुहाडे सिलेबस च ही आ
ਕਿ ਕੋਈ ਕਤੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਨੇਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਵਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਮੌਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।